गोपालगंज माझा थाना अंतर्गत दो जगह आगजनी का मामला सामने आया है। अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक जगह ट्रैक्टर समेत पास रखे गेहूं के दौरी के लिए गेहूं में लगी आग। वही दूसरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये माझा थाना अंतर्गत का मधुसराय की है घटना, जहां पे 15 घरों को जलकर हुई राख। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका AGS में और मैं हूँ अशफाक। आज हम मौजूद है गोपालगंज माझा थाना अंतर्गत एक गाँव आता है मधुसराय में, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग जली हुई है, जिसमे 10 से 15 घर बिल्कुल जल के राख हो गया। हम स्थिति दिखाने के चाहेंगे, कैमरामैन से बोलेंगे जरा स्थिति को दिखाए, कितना भयानक ये आग लगा है कि यहाँ पे जो सिलेंडर गैस है, गैस जो जिसको खाना बनता है, सिलेंडर गैस जो है, इसका स्थिति आप देख सकते हैं कैसे इसमें उस समय ब्लास्ट किया होगा। ब्लास्ट कर लो, हाँ सारा ब्लास्ट कर, हाँ बहुत तेज कर लो सब, ब्लास्ट बहुत तेज कर लो सब, सारा धोल लो सब है। देते हम क्या गेहूँ जोर बा, सारा गेहूँ जोर धरते कैसे से होने से धरते होने से धरते आई लवे होने से धरते आई बचाव के समय ना मिले ना, ये कुछ काम के ना क्या निकले ना बचाव के समान, एक को बस समय से ना मिले ना, जे होने से ना निकाल ले जाए समय ना मिले, एक को समान ना के बचल सारा जत का हो गई का, कितना केना क्षति के अथि पर कितना गेहूं गेहूं 2 किलो 50 किलो सारा जोर के रखो गई सामने लोग बतावे देख सकते हैं कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर, और यहाँ पे देखते हैं एक और है, एक ही नहीं है एक और है, दो दो यहाँ पे गैस सिलेंडर की स्थिति। आप कैमरामैन से बोलेंगे जरा इसको दिखाए, ये कैसे उस समय ब्लास्ट किया होगा, कैसे कहीं ना कहीं भयानक उस समय का मंजर होगा। मंजर हो गया, बहुत खराब रहा, बहुत खराब खाए पिए वाला सर कुछ बारे को बकरी रहे से सब बारे बकरी भाग इतना फुर्सत ना मिलेला खोल के हाथ कर कुछ सर कुछ ने के क्यों घर ना रहला सर सर घर क्यों ना बकरी देखिए ना नहीं देखिए सर देखिए बार बार बकरी देखिए ठीक है हम देख रहे हैं कोई नहीं था घर पे ना कोई यहां पर नहीं था आसपास के लोग सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आया ना आसपास के दौड़ कर लोग आए आग लगने के बाद आग बुझाने के लिए उसके बाद फायर ब्रिगेडर को फोन किया गया फायर ब्रिगेडर आया आग आग बुझाने के लिए जब तक अभी कितना घर का नुकसान हो चुका है लमसम यहां सब 25 घर का नुकसान हो चुका है सर जी सर 25 घर यहाँ पर किसी के घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं है शादी भी किसी के घर में हाँ कोई का घर शादी भी है यहाँ पर देखिए सर तीन वो गाड़ी यहाँ पर देखिए तीन वो गाड़ी हम देखेंगे आप दिखा सकते हैं कि स्थिति इतना भयानक था कि यहाँ पे गाड़ी देख सकते हैं हटाने के भी चांस नहीं था और इस घर में कोई पुरुष थे नहीं एक यही नहीं गाड़ी है हम कैमरामैन को बोलेंगे जरा यहाँ पे दिखाए यहाँ पे दो गाड़ी ऐसा भी है जिसको आप देख सकते हैं इसका स्थिति देख कर आप समझ सकते हैं कितना भयानक ये आगजनी हुई थी और साथ में अभी सीजन जो गेहूं का चल रहा है गेहूं का दौरी के पास लाकर रखा गया था यहाँ पे सबका नुकसान हुआ है ये तो सर कम है सर वहाँ अंदर बहुत ज्यादा गेहूं और वहाँ पे मशीन वशीन सब जल गया सर आटा पीसने वाला मशीन था सर सब जल गया है सर अरे वो महिला चलिए हम देखते हैं इस परिजन यहाँ पर भी आगजनी हुई है स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं पूरा घर का स्थिति हुआ है अब का ज्यादा नुकसान नहीं है बहुत नुकसान बा हमार सारा संपत्ति जर गल बा कुछो नहीं खे बाकी का जरल बा गाड़ी 3 50 बोरा गेहूं 4 बोरा सरसो चौकी रहा 5-6 तौन 10 बकरी ओकरी सब जर गहना गुड़िया सब जर गल बा सब निकाले के समय ना मिला ना एको मिनट सांस ना मिलल केहू घरे ना रहल साहेब हाँ सर की कोई मतलब माने आसमान का ही नहीं था सर केहू ना रहल सर केहू ना रहल मशीन जर गया सर आटा पीसने वाला मशीन जर गया सर आटा पीसने वाला मशीन एक लाख रुपया तनख्वाह लिए हुआ नौकर पापा उठा के रात के आ यही में घरों में धैले रहनी सवेरे देना लगा देना दे दे है वही में धैले रहनी है कौन ये साझी खोने ले जाकर बखरा लगा के लोगों के दे दे वही में वो जर गल बा एक लाख रुपया स्थिति आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत भयानक ये स्थिति होगा जहाँ पे तकरीबन 15 से 20 बकरी का भी नुकसान हुआ है और बकरी का बचाव देखिए देख रहे हैं वो बकरी का बचाव दोनों का खींचिए ना 12 बकरी 12-13